तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं एजुकेशन लाइफ में। मैं राज आप सभी के लाया हूँ लाभ हानि का सवाल। प्रश्न वन कह रहा है, किसी फल विक्रेता ने 80 रुपये में 100 संतरे खरीदे, यदि उनमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे किस कीमत पर बेचने चाहिए। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए यदि आप बेसिक जानकारी कर लेते हैं तो ट्रिक अपने आप आ जाएगा। चलिए, 25% का मतलब क्या होता है? देखिए, 25% का मतलब होता है 100 में 25 की वृद्धि। ठीक है, यानी 125 हो जाएगा। ठीक है, उसका जाए 100 संतरे हैं दोस्तों, इसमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं, कितना बचेगा? 80 बचेगा। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं 100 संतरे का जो क्रय मूल्य है कितना है दोस्तों? 80 रुपया है। ठीक है, उसके बाद इसमें से कह रहा है 20 संतरे सड़े हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? 100 में से 20 घटा देंगे। ठीक है, कितना बचेगा? 80। ओके, 80 संतरे हो गए आपके पास, तो लिखेंगे आप 80 संतरे का विक्रय मूल्य। ठीक है, आप लिखेंगे 80 × 25% लाभ दिया दोस्तों, तो 100 + 25 कितना होगा दोस्तों? 125। ओके, और बटे में आप लिखेंगे क्या? 100। उसके बाद हल करेंगे, देखिए 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। ठीक है, यहाँ से 5 से भाग दीजिएगा 125 में, तो कितना बार में कटेगा दोस्तों? 25 बार में, क्योंकि 25 × 5 = 125। और उसके बाद देखिए, 25 × 4 = 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 100 आ चुका है। उसके बाद कह रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरे किस कीमत पर बेचनी चाहिए? आप लिखेंगे इसलिए 1 संतरे का विक्रय मूल्य। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ से 100 / 80। ओके, आप 0 से 0 काटेंगे। उसके बाद देखिए, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। उसके बाद 4 से 5 में भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1.25 रुपया। ठीक है, तो 1.25 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको पहला सवाल समझ में आ रहा है। प्रश्न 2, एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8,000 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है, यदि वह 9,800 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि के 2 गुने के बराबर हो, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? यानी घोड़ा कितना में बेचा गया, यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं ट्रिक द्वारा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और 2 गुना 3 गुना का बात करता है दोस्तों, तो आप लोग ट्रिक द्वारा उड़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप घोड़े का क्रय मूल्य बराबर। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ से 9,800 जो कि दिया हुआ है, प्लस देखिए 8,000 दिया हुआ है दोस्तों, तो लिखेंगे आप 8,000। ठीक है, गुणे देखिए इसमें 2 गुने के बराबर कर रहा है, 2 गुने के बराबर, तो 2 से गुणा करेंगे और बटे में लिखेंगे आप 2 + 1, यानी 2 गुना बात कर रहा है तो दोस्तों 2 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए इसे हल कीजिए। देखिए 9,800 + 8×9=16 अर्थात 16,000। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 × 1 = 3। ठीक है, 9,800 और 16,000 जोड़िएगा तो आपका रिजल्ट बनेगा, 9,800 और 16,000 जोड़िएगा तो आपका रिजल्ट आएगा कितना है? 25,800। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 3 से भाग देंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों? 8,600। ठीक है, यानी 8,600 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 8,600 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आइए इस प्रश्न को हम लोग बेसिस से हल करते हैं। ठीक है, देखिए घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है, तो आप मान सकते हैं यहाँ से घोड़े का क्रय मूल्य एक्स। ठीक है, लिखेंगे यहाँ से 8,000 + x बराबर हो जाएगा आपका 9,800 - 2 गुना बात कर रहा है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा कितना? 600। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ से निकालना है घोड़े का क्रय मूल्य। बाद देखिए घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है, तो आप लिखेंगे यहाँ से 8,000 + 600 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 8,600। तो 8,600 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न काफ़ी इंपोर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है, जब 3,360 रुपया में कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ वह उस हानि की धनराशि का ठीक 2 गुना था। कह रहा है, जो कि तब होता है जबकि उस वस्तु को 2,400 रुपये में बेचा जाता है, तो कह रहा है वस्तु की खरीद मूल्य क्या थी। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को ट्रिक द्वारा करते हैं।
जिस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 आप ट्रिक साइड हल किए हैं, उसी प्रकार आप सवाल नंबर 3 भी ट्रिक से हल कर सकते हैं। आप लिखेंगे यहाँ से क्रयमूल बराबर 3360 प्लस 2400 गुणे 2 बटे में आपका हो जाएगा 2 प्लस एन, क्योंकि दोगुना का बात कर रहा है दोस्तों, तो दो में एक जोड़ना है। ठीक है, चलिए प्लस 2400 है और 2 है, गुणा करिए 2400 में 2 गुणा करें 4800 आ जाएगा दोस्तों। चलिए बटे में आपका लिखेंगे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 3360 प्लस 4800 जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों, 8160 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 बटे में हो जाएगा, यहाँ से 3 से भाग दीजिएगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 2720 यानी 2720 रुपये आएगा। ठीक है, जो कि 2720 रुपये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको तीसरा सवाल भी समझ में आ रहा है। यदि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप इस ट्रिक का सहारा ले सकते हैं और आप प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।